कोच पर ज्यादा भरोसा मत कीजिए, बहुत खतरनाक खिलाड़ी है। हेलो हेलो, सुखी सगाई के लिए पुणे जा रहा है तो तेरे लिए आखिरी मौका है, रोक ले उसे। गुड्डू सुखी से बहुत प्यार करते हैं। ये सब आप मुझे आज कह रही हैं, जब मेरी सगाई हो रही है? सुखी, I love you। गुड्डू बैठो। Anything else? मैं पुणे से लौटने के बाद राकेश और सुनैना के रिश्ते की बात करने आऊंगा। मेरा एक काम करूंगी, बैग में 5 लाख रुपए कैश है, इसे अपने घर ले जाओ। जब मैं आऊंगा तुम्हारे घर, तुम्हारे से मिलूंगा। बैग में कुछ रुपया है, आप संभाल कर रखिए, बाद में ले लूंगा आपसे। अब इस घर में और भी लोग हैं, उनके सर पे ये जिम्मेदारी डाल दे। आप जो ठीक समझे। आज से सारी जिम्मेदारियां पुष्पा की होंगी। बात कर रहे हैं आप मकान कैसे बेच सकते हैं? अरे भाई, ये क्या सवाल हुआ? अब जैसे बिकता है वैसे ही बेचूंगा। अरे बात बताइए तिलक साहब, अब हर बार फोन करके ये कहते हैं कि पैसों का इंतजाम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, लेकिन अब तक तो पैसों का इंतजाम हुआ ही नहीं। मैं जानता हूं, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं किसी तरह से इंतजाम कर दूंगा, आप वो मकान मुझे बेचेंगे, समझ गए आप? ठीक, जैसे ही पैसों का इंतजाम हो जाए मुझे फोन करके बता दें। ठीक है, ठीक है। क्या बात है, इतने परेशान लग रहे हो? किसका मकान खरीदने की बात कर रहे थे? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। आपके भाई इंद्रजीत का। आप उस मकान के लिए इतने परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आपको आपके भाई का मकान मिल जाए, ताकि आप अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकें। हेलो हेलो, हाय। हे गुड्डो, हाय। मेरे बारे में सोच रहे थे ना? सच तो ये गुड्डो कि आजकल तुम्हारे बारे में सोचने के अलावा मुझे कुछ सोचता ही नहीं है। अच्छा जनाब, आप ये बताइए कि आप अपने पापा से हमारी बात कब कर रहे हैं? पापा से? बस पापा के आते ही बात कर लूंगा। सच? हाँ, पापा के आते ही उनसे कहूंगा कि पापा मुझे गुड्डू से प्यार है और मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। सिंपल। तुम क्या दोगे ये सब? अरे पागल हो गए हो क्या? अगर मैंने पापा को ऐसा कहा ना तो मेरी बंदूक लेके पहले मुझे गोली मारेंगे, फिर तुम्हें बात करती है। मतलब तुम अपने पापा से हमारी बात कभी नहीं करोगे? अरे करूंगा बाबा, करूंगा, लेकिन सही मौका देख कर। पहले राकेश और सुनैना की बात तो जम जाने दो, बाद में अपनी बात भी जमा लेंगे। दुखी, रखता हूँ, आगे रखता हूँ भाई। सुनो सुनो। हाँ। Anything else? I love you. Bye. Take care. सुखी। अब जी जी पापा। किससे बात कर रहे थे? वो पापा एक दोस्त ही था। दोस्त? दोस्त से इस तरह मुंह छुपा छुपा के बातें नहीं की जाती। कोई गर्लफ्रेंड थी? गर्लफ्रेंड? नहीं नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं पापा। अरे पापा, पापा भी क्या कर रहे हैं? ही डाल किया है, घंटी जा रही है, अभी पता चल जाएगा। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हेलो हेलो भाभी, मैं सुखी बात कर रहा हूँ। हाँ सुखी, बोलो, किस लिए फोन किया? गुड्डू से बात करनी है। नहीं नहीं भाभी, वो
पापा बात करना चाहते हैं। पापा है? कौन? पुष्पा भाभी। नहीं मैं क्या बात करूंगा। पापा मेरे ख्याल से आपको बात कर लेनी चाहिए। देखो ना भाभी भी तो यहाँ आई थी राकेश और सुनैना की बात करने, तो आपका भी फर्ज बनता है ना। पापा बात कर लीजिए। हेलो। हेलो अंकल, नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अंकल जी, सुखी कह रहा था कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं। मैं हाँ, आप राकेश और सुनैना की शादी के बारे में बात करना चाहते थे ना? हाँ वो हाँ मैं भी वही कह रही थी कि आप बाऊजी से मिलके बात कर लीजिए। मैं बाऊजी को तो नहीं मैं बाद में बात करूंगा। पता नहीं रब को क्या मतलब। बाऊजी मेरा यकीन मानिए, जगदीश भाई साहब बदल चुके हैं। अगर ऐसा ना होता तो वो यूं ही मेरे हाथ में 5 लाख रुपयों से भरा बैग पकड़ा देते। कुक्कू मियां, जगदीश सुखपल के खोपड़ी कोई कम नहीं है। तुम्हें 5 लाख रुपए का बैग पकड़ाने में जरूर उसकी कोई चाल होगी। प्रमोद बाबू कभी कभार तो किसी के लिए अच्छा बोला कीजिए प्लीज। बाऊजी मैं मानता हूं कि उनकी गलती है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक वक्त हमारा ही उनके साथ मधुर रिश्ता था। बाऊजी तो उन्हें अपना दूसरा बेटा मानते थे। क्यों बाऊजी? भरजाई जी, आपके लिए तो उपल भाई साहब आपके छोटे भाई के समान थे, और वही इंसान प्रायश्चित करना चाहता है, अपनी भूल को सुधारना चाहता है और उन्हीं मधुर रिश्तों को दोबारा कायम करना चाहता है, तो हमारा यह फर्ज नहीं बनता कि उन्हें एक मौका दिया जाए। मैंने कहा जी, कुक्कू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर जग्गी अपनी गलती मानकर फिर से रिश्ता निभाना चाहता है तो हमें भी उसे मौका देना चाहिए। बाऊजी, हम सब आपके ही बच्चे हैं, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे बाऊजी। लेकिन कोई भी फैसला करने से पहले ये बात ध्यान में रख लीजिएगा कि राकेश भी आप ही का बेटा है, आप ही का खून है, उसकी हर खुशी इस रिश्ते से बंधी हुई है। पुष्पा बेटा ने तो बिना किसी मुसीबत की परवाह किए बगैर दो परिवारों को नजदीक लाने की कोशिश की है बाऊजी, ताकि राकेश और सुनैना आपस में मिल सके और फिर से हमारे संबंध उपल परिवार के साथ अच्छे हो जाए। मैं जानता हूं कि मैं इस परिवार का मुखिया हूं, और इसीलिए मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं तुम सबकी खुशियों का ख्याल रखूं। अब अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो भी ठीक है, मुझे ये मंजूर है। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि जगदीश उपल अब दोबारा कभी इस घर में आएगा। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं बेटा। वो सुनैना के होने वाले ससुराल फोन लगा, मैं उसकी सगाई की बात करना चाहता हूं। पापा, पापा क्या मैं चोपड़ा साहब से बात कर सकता हूं? कौन बोल रहा है? बाऊजी पैरी पहना। कौन? जग्गी। जग्गी? आपका जग्गी बाऊजी। बाबूजी समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूं।
बस आपसे इजाजत चाहता था। क्या मैं आपके घर अपनी भतीजी सुनैना के लिए आपके पोते राकेश का रिश्ता मांगने आ सकता हूं? किसके नाम का सिंदूर लगाएगी भाभी? जग्गी कल हमारे घर आ रहा है। तुम्हारी जीत हुई है। माँ जी, आपकी आंखों में आंसू? ये तो खुशी के आंसू है पुष्पा बेटा। मुझे वो दिन याद आ गया जब इनके जाने के बाद तू पहली बार इस घर में आई थी और मेरे पास आकर तूने मेरे दुख बांटे थे, मुझसे मेरे आंसू मांगकर। आज बेटा तुमने जो काम किया ना, अगर तिलक के पापा होते तो बहुत खुश होते। बस यूं समझ ले बेटा कि उनकी खुशी मेरे आंखों से आंसू बनकर बह रही है। खुश रहो। समझदार हो गई है सरोज। तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? तुम तो मेरे दिल में रहती हो सरोज। ये यहाँ, और जो दिल में रहते हैं उन्हें ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होती। देखो तुम यहाँ मत आया करो। और कहाँ जाया करो। वैसे काफी ठाठ है तुम्हारे। तो उस दिन को कोस रहा हूं तो तुम मेरी लगो। और तुमने डॉक्टर प्रकाश से शादी कर ली और अब यहां तिलक चोपड़ा की बीवी बनकर ऐश कर रही है। ये तुम्हारा धंधा है क्या? देखो यहां से चल जाओ। हाथ जोड़ती हूं मैं। ना, ये खूबसूरत हाथ जोड़ने के लिए नहीं। जाता हूं। इस तरह घूरो मत भाई। घर तुम्हारा है, शहर तुम्हारा, मेरा क्या है। मैं परदेसी हूं, न जेब में पैसे हैं, मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है। तुम यहां से जाओ। किसके नाम का सिंदूर लगाएगी भाभी?
मैं कपड़े बदल रही हूँ। तुम चाहते क्या हो? फिलहाल तो मैं इसी से काम चला लूंगा, पर इससे कुछ होने वाला नहीं है ना। बड़ा घर है, थोड़ी मोटी रकम का इंतजाम करो। आई मैं तुम्हें फोन करके बताऊंगा कितनी, ठीक है? बाय। देर चेंज कर रही थी ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे फूफा जी, राकेश और सुनैना की शादी तय हो गई है तो इसमें बुरा क्या है? और हम जगदीश उप्पल साहब का स्वागत करेंगे और कहेंगे आइए साहब आइए, पहले हमें जूते मारिए और हम फूलों का हार लेके आपका स्वागत करेंगे। अब और तो और हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू भी बनाएंगे ताकि आप हमें और जलील कर सके। फूफा जी, आप हर चीज के बारे में गलत क्यों सोचते हैं? भैया तुम्हें बताओ कि हम सही कैसे समझे। तुम्हारी बीवी पुष्पा कुक्कू को लेकर जगदीश उप्पल के घर जाती है, जिसकी वजह से नंदा और कुक्कू में टेंशन होती है। हम और तो और कुकुम या जगदीश उप्पल के इतने विश्वास पात्र हो जाते हैं कि 5 लाख रुपए उन्हें रखने के लिए भी देते हैं, और अब कुकुम या जगदीश उप्पल को लेने उसके घर गए। हम भीतर आ सकता हूँ साहब? हेलो, देखिए भीतर आने के पश्चात पूछेंगे हम भीतर आ सकता हूँ साहब? हाँ बोलिए, कहिए। वो कहें कि साहब की एक तो बहुत जरूरी काम है, हमको जल्दी घर जाने का है। अच्छा, अगर हम ना कहेंगे तो आप नहीं जाएंगे? हाँ अमा, हमसे क्या पूछ रहे हो? इनसे पूछिए, मालिक है, पूछिए पूछिए पूछिए। आप जा सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। मैं क्या कर रहा था? फूफा जी, आप जो कुछ कह रहे थे मैं समझ गया, लेकिन आप ये समझिए कि जो कुछ भी हो रहा है सबकी भलाई के लिए हो रहा है। ठीक है भैया, तुम्हारे घर का मामला है, तुम जानो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। हेलो। हाय सुनैना। बोलो, तुम तैयार हो ना? तैयार नहीं तो क्यों? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। बहुत पगले हो गए हो बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती मैं तुम्हारे घर चाचू के साथ ही आऊंगी। क्या बेवकूफों की तरह बात कर रही हो? हाँ, क्या हो गया तुम्हें? रोमांस किस चिड़िया का नाम है, तुम्हें बिल्कुल पता नहीं है? अरे भाई, तुमसे प्यार करता हूँ, अब शादी कर रहा हूँ, खुश हूँ, अब इससे ज्यादा रोमांस क्या होता है मुझे नहीं पता। तुम अंकल के साथ आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। नहीं आऊंगी, पहले प्यार से बोलो आई लव यू। अच्छा, आई लव यू? अपनी होने वाली बीवी से ऐसे आई लव यू कहा जाता है? तो फिर कैसे बोला जाता है? आई लव यू ऐसे। आई लव यू सुने ना, आई रियली लव यू। हाँ, आई लव यू। हुआ वो सुनैना का फोन था, वो उसी ने कहा जबरदस्ती, तो पर मैं मना कर रहा था। अच्छा बेटा, अभी से? अरे बुआ। राकेश, तुम यूं हंसते हुए अच्छे लगते हो, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, आज लड़की वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। ठीक है। अरे नंदा, मैंने अभी अभी राकेश को रंगे हाथ पकड़ लिया है, सुनैना के साथ बड़ी रोमांटिक बातें कर रहा था। अब तुझे क्या हुआ, तूने क्यों मुंह सजा के रखा हुआ है? मेरी शक्ल ही ऐसी है तो मैं क्या करूं? देख नंदा, तेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है बेशक वो किसी और के लिए बड़ी बात ना हो, लेकिन तेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ये मैं समझती हूँ। और मैं तुझे एक और बात समझाना चाहती हूँ, कुकु तेरा पति है, तुम लोग की एक अपनी दुनिया है,
तेरी जिंदगी में जो कुछ भी दुख सुख आते हैं वो सिर्फ तेरे अपने हैं और वो सिर्फ तू ही ठीक कर सकती है। मुझे पता है मैं बिल्कुल अकेली हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ। नहीं नंदा, तू गलत समझ रही है। क्या गलत है और क्या सही, इसका फैसला तू मुझ पर छोड़ दे। अच्छा चल, अब तेरा मुंह ठीक कर ले। उपल भाई साहब आ रहे हैं राकेश और सुनैना की शादी की बात करने। कितने दिनों के बाद इस घर में खुशी का माहौल आया है, उसमें अगर तू भी शामिल हो जाएगी तो तुझे भी थोड़ी खुशियां मिलेगी। नहीं कांता, जब मेरी खुशियों को आग लगी हो इस घर की किसी की खुशी में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। हेलो। हाँ बुआ। हाँ बुआ, मैं पहुंच गया हूँ, आ रहा कमरे से। जो भी सवेरे उठ कर देखे तेरा हंसा मुखड़ा, मुझसे तो फिर दूर ही रहता दुनिया का हर टुकड़ा। सबका भला करने को तेरे भला करने को तेरे दिल में रहे बेटा भी हो भा।